आज की प्यारी सी लाइन दोस्तों, आप सभी को जिंदगी को बदलने के लिए, मंजिल पाना तो अभी बाकी है, मंजिल पाना अभी तो बाकी है, जिंदगी का पूरा इम्तिहान बाकी है, इरादों का भी इम्तिहान बाकी है, तौली है मुट्ठी भर मिट्टी, तौली है मुट्ठी भर मिट्टी, अभी आसमान तोलना बाकी है, अभी आसमान तोलना बाकी है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक प्यारी सी टॉपिक दोस्तों, और ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, जो कि यहाँ से हर एक एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत डिफिकल्ट और बहुत ईजिली भी आते हैं। तो इसको दोस्तों आसानी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, बस आप सब वीडियो को एंड तक बने रहिएगा ताकि आप सबको सारे बात समझ में आ जाए। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं दोस्तों वो है हमारा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो पहले बात करते हैं यार प्रतिशत क्या होता है, यार प्रतिशत कहते किसे हैं, इसका मतलब पहले समझ लेंगे दोस्तों तो सारे बात हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, परसेंटेज की बात करें दोस्तों तो कहता है कि प्रति परसेंटेज कोई भी संख्या दोस्तों अपने खुद का 100% होता है, कोई भी संख्या दोस्तों खुद का क्या होता है 100% होता है, कोई भी संख्या हो, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों प्रतिशत का, तो ये कहता है कि किसी भी संख्या 100 से उसका कितना भाग हो दोस्तों उसी को परसेंटेज कहते हैं, ठीक है, परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है दोस्तों 100, क्या होता है दोस्तों परसेंटेज का मतलब होता है दोस्तों 100%, किसी भी संख्या क्या होता है दोस्तों 100% अपने खुद का पूर्ण रूप होता है। अगर हम बात करें 5% कितना के बराबर होता है, हम आपसे एक क्वेश्चन कर दे दोस्तों कि जो 5% होता है कितना का बराबर होता है, कितना का बराबर होता है। हम बात करें ना, देखिए जैसे कि परसेंटेज का एक छोटा सा एक अच्छा सा अगर तरीका मैं बताऊं, मैंने बोला कि 100 रुपये में मैंने 75 मैंने क्या बोला कि 100 रुपये में मेरा 75 रुपया खर्च हो गया, तो 75 जो है दोस्तों वो परसेंटेज में चला जाएगा, ठीक है, क्या हो गया 75% हमने क्या किया खर्च कर दिया। तो इसी को समझना दोस्तों, बात करते हैं कि 5% आसानी तरीके से दोस्तों और आराम से दोस्तों समझते चलेंगे सारी बात को, ठीक है, कोई दिक्कत और कोई हबड़ाने वाला बात नहीं है, ठीक है, आराम से समझेंगे सारी बात को। 5% को दोस्तों कितना लिखा जाएगा, तो 5% को मैंने क्या बोला दोस्तों कि किसी को लिखना होगा तो 5 को ऊपर रख देंगे दोस्तों और 100 को कर देंगे नीचे, ये परसेंटेज वाला वैल्यू आ गया। इसको जो कितना आएगा 1/2 में आएगा दोस्तों 20 आएगा, इसका ये मान हो गया दोस्तों, क्या हो गया इसका यही मान हो जाता है, कहते हैं दोस्तों इसका यही मान हो जाता है। अब हम बात करें दोस्तों 20 जो होता है 1/20 तो आ गया, ऊपर वाला वैल्यू जो होता है दोस्तों परसेंटेज वैल्यू होता है, कहते हैं दोस्तों ये परसेंटेज वैल्यू होता है, लेकिन ये जो होता है दोस्तों ओरिजिनल वैल्यू होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है, ये जो नीचे वाला जो दोस्तों जो आपसे वैल्यू होता है वो ओरिजिनल मान होता है, इसका ओरिजिनल मान होता है, ठीक है। 20% का लिखना दोस्तों तो हम करेंगे 20/100 कर देंगे, कितना जाएगा दोस्तों 1/5 आ जाएगा, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, ये परसेंटेज वैल्यू और नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू हमारा आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ मैंने दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है दोस्तों, जो कि आप सभी लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका काम दोस्तों तब आता है जब आप क्वेश्चन अगर जल्दबाजी में लगाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को लगाते हैं दोस्तों, तो इसका यूज आएगा वहाँ पर। इसका दोस्तों जैसे कि 1% को मैंने 1/100 लिखा, मैंने अभी दोस्तों यहाँ पर समझाया कि 5 को कितना लिखा जा सकता है, तो 5 को 1/20 लिखा जाता है, उसी दोस्तों 1% को 1/100 लिखा जा सकता है, 2% को दोस्तों 1/50, कैसे समझा रहा हूँ दोस्तों समझिएगा बात को, 2 है 1/100 करेंगे कितना बार में कटेगा 1/50 कटेगा, 1/50 होगा दोस्तों, तो इसका यही वाला मान हो गया। 4 का दोस्तों 1/25, ठीक है, 5 का दोस्तों 1/20, 20% का 1/5 हो जाएगा, 6 सही 1/4% का 1/16 कैसे हुआ, इस बात को अब समझते हैं कि 6 सही 1/4% का 1/16 कैसे आया, ये आप सभी का कन्फ्यूजन शायद हो रहा होगा, तो इस कन्फ्यूजन को दोस्तों मैं दूर कर रहा हूँ कि इसको कैसे ही आया। तो 6 चौके 24 1/25 आ गया 4, अब गूढ़े कर देंगे दोस्तों 100, गूढ़े कर देंगे दोस्तों 100 जब करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 25 चौके 100 दोस्तों, ये 6 चौके 16 1/16 आ जाएगा इसका सही आंसर। तो ऐसे ही दोस्तों आप सभी किसी भी अगर बात बोले तो आप सभी को ऐसे ही करके निकलना है दोस्तों आराम से आसानी तरीके से, समझ में आ गया, मुस्कुराते एकदम दोस्तों इसका इसको ताबड़तोड़ दोस्तों कॉपी में नोट करते चलेगा, सारे बात को कॉपी में नोट करते चलेगा ताकि आप सभी को सर हर एक बात समझ में आ जाए।
16 सही 2/3% को दोस्तों 1/6 सारे ये सारे जो फ्रैक्शन दोस्तों लिखा है परसेंटेज और फ्रैक्शन इसका सारे का ये दोस्तों क्वेश्चन में किया जाएगा। बात को समझते चलिएगा, सारे बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एक दो क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे छोटा मोटा क्वेश्चन लेते हैं कि 33 सही 1/3% का 3% का 240 का मान कितना होगा, 240 का मान कितना होगा, कितने की बराबर होगा। 33 सही 1/3% का 240 का मान कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ लिया जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो 33 सही 1/3 का जो मान होता है दोस्तों वो 1/3 हो जाता है और गुणे कर देंगे 240, गुणे कर देंगे 240 दोस्तों, तो इसका कितना जाएगा 80 आ जाएगा मान, कितना जाएगा दोस्तों इसका 80 जो मान आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नीचे दोस्तों मैंने इसका मान भी लिखवाया, यहाँ पर आप सभी लिख सकते हैं जो कि डायरेक्टली आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 60 का कितना प्रतिशत 540 है। क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा कि 60 का कितना कितना प्रतिशत प्रतिशत 540 है। प्रतिशत को दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ऐसे इस प्रकार से दोस्तों दिखाया जाता है प्रतिशत को, ये बात आप सभी को सारे भाइयों को पता होगा, ये तो सारे भाइयों का दोस्तों बात पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक सी बात है यार। ठीक है ना, तो 60 का कितना प्रतिशत 540 है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक इजिली क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, इजिली है लेकिन बन जाता है तो इजिली, नहीं बनता है तो डिफिकल्टी, ये तो बात ओबियस ही है। तो 60 का कितना प्रतिशत 540 है, इसको कैसे निकालेंगे, जो का से पहले वाला जो मान आता है दोस्तों, जो का से पहले वाला मान होता है उसको नीचे रखते हैं और उसके बाद वाले मान को ऊपर रखते हैं, इस बात को समझिएगा। यहीं पर दोस्तों क्या होता है, मिसप्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 540 और बटा में लिख देंगे दोस्तों 60 और गुणे कर देंगे 100, गुणे कर देंगे दोस्तों 100, जब इसको कटाएंगे दोस्तों तो ये कट जाएगा 954 यानी कि 90 से, और जब इसमें गुणा करेंगे दोस्तों हमारा जाएगा 900%, कितना जाएगा दोस्तों 900% इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 900% दोस्तों इसका सही, सॉरी इसको इसको कटा देंगे, इसको भी कटा देंगे, तो 900% इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अभी ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आप सभी का डाउट क्लियर हो गया, एक ऐसा क्वेश्चन आप सभी का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों जो कि आप सभी के लिए अच्छा रहेगा, 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अभी मुझे क्वेश्चन को लिख रहे हैं, 5 ग्राम 1 किलो का, किलोग्राम का यानी किलो लिख देते हैं आराम से, किलो का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, का को दोस्तों ऑफ से भी लिखा जा सकता है, आप सभी को इस भी ध्यान देना, अगर दोस्तों ऑफ भी दे दे तो आप सभी को पता करना कि का कर रहा है दोस्तों, गुणा की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर 5 ग्राम 1 किलो का कितना प्रतिशत है, तो आप सभी पहले बात करना दोस्तों कि 1 ग्राम में कितना होता है, 1000 गुणे कर देंगे दोस्तों कितना, तो गुणे करेंगे 100, 00 से 00, 5/10 इसको करेंगे दोस्तों तो 0.5 इसका सही आंसर आ जाएगा। कितना है दोस्तों, 1/2 आ जाएगा पहले तो, और इसका 0.2 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, आगे कुछ ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप सबके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले इसको, ठीक है नोट कर लीजिए भाई इसको थोड़ा फास्टली। देखिए अब बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कुछ करते हैं जो कि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिया दोस्तों, ये आपसे के एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पहला दोस्तों पढ़िएगा, बोर्ड पर लिखा गया है क्वेश्चन है दोस्तों, अगर किसी भी संख्या का 11 सही 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 9000 बनता है। देखिए कह रहे कि यदि किसी भी संख्या को 11 सही 1/9% को उसी संख्या में जोड़ दिया जाए
तो 9000 बनता है, वास्तविक संख्या क्या होगा? क्या दोस्तों इसका वास्तविक संख्या का मान ज्ञात करना है। कैसे इसको ज्ञात करेंगे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। देखिए हम दो टाइप बताएंगे दोस्तों, मेथड वन रहेगा एक और एक मेथड टू रहेगा। जैसे भी आप सभी को आसान लगे दोस्तों, मेथड टू आप सभी का इजीली रहेगा, मेथड वन थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लॉन्ग टाइप का रहेगा। तो दो तरीका बताऊंगा दोस्तों, एक ट्रिक बताऊंगा एक लॉन्ग बताऊंगा, आप सभी को जो अच्छा लगे उस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों, 11 सही 1/9% को दोस्तों आप सभी को 1/9 लिखा जाता है। अगर इसको परसेंटेज से कन्वर्ट किया जाए दोस्तों फ्रैक्शन में, तो इसको इसको इतना कन्वर्ट किया जाए तो दोस्तों इतना इसको लिखा जाएगा। तो कह रहे दोस्तों कि जब 9 से 1 बढ़ रहा है दोस्तों तो कितना हो जा रहा है, 10 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, 10 हो रहा है। तो जब 10 में 9000 हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल, और जब 10 में दोस्तों जब 9000 हो रहा है दोस्तों, जब 9 में 10000 हो रहा है तो 9 में कितना होगा दोस्तों, तो 9 में हो जाएगा 99, 81 और 00 लगा देंगे यानी कि 8100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना हो जाएगा। क्या आप सबको इस बात को समझ में आया जितना मैंने अभी बताया दोस्तों? नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रसगुल्ले अभी हम बताएंगे कि इसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब देखिए समझिए कैसे इसको बनाया। अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% को उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या 9000 बनता है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल वैल्यू को बात कर रहा है कि रियल वैल्यू क्या होगा। तो 11 से 1/9% को 1/9 लिखा जाएगा। कैसे, हाउ इज पॉसिबल, तो देखिए कैसे। ये हो जाएगा 99, 99/100 हो जाएगा दोस्तों। और इसको करें तो 100, यार क्या यार, ये बात नहीं आप सभी को समझ में आ रहा था, क्या समझ में आएगा? इतना बात अगर नहीं समझ में आता कैसे आएगा, कैसे होगा यार, कैसे 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 होगा? तो इसको 1/9 यानी कि बढ़ के 10 हो गया दोस्तों। इसको जब प्लस करेंगे 10 हो रहा है, एक बढ़ करके 10 हो रहा है, तो 10 जब 9000 में, तो 9 इतना में हो जाएगा दोस्तों और 81 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए मेथड टू जो कि ट्रिक के द्वारा दोस्तों बताएंगे इसको इजीली तरीके से और कम समय में कैसे किया जा सकता है। देखिए कह रहा है दोस्तों कि 9 से कितना हो जा रहा है, 10 हो रहा है। 9 से एक बढ़ करके कितना हो रहा है, 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक प्लस हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक की प्लस किया जा रहा है। जब 10 में दोस्तों 9000 है, जब 10 में दोस्तों 9000 है आप सभी का, तो कितने में गुणा किया जा रहा है दोस्तों, 900 से गुणा किया जा रहा है। ओबीसी बात है दोस्तों, जब 10 में और 900 का गुणा करेंगे दोस्तों तभी जा करके 9000 होगा। ये मैंने क्या बात गलत बोला कि नहीं, सॉरी मतलब गलत तो नहीं बोला, नहीं गलत नहीं बोला कि 10 में दोस्तों 9900 का गुणा किया जाएगा तभी जा करके 9000 होगा। ओबीसी बात है, जब इतना होगा दोस्तों, तो जब 9 में दोस्तों जब 900 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या इतना नहीं आएगा? और क्या दोस्तों यही वाला वैल्यू क्या यहाँ पर नहीं आया है, क्या यही वाला वैल्यू दोस्तों क्या यहाँ पर आया है? तो क्या आप सबको समझ में आ गया कि इसको कैसे बनाया जाएगा दोनों मेथड से? दोनों मेथड समझ लीजिएगा दोस्तों, दोनों मेथड आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत हेल्पफुल है दोस्तों बोला जाए तो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक करके आप सभी इसको नोट कर सकते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया दोस्तों, ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, चीनी की कीमत में, देखिए जो कोई दुकानदार है और अपने चीनी कीमत में क्या करे, मतलब कि वृद्धि कर रहा है घटा रहा है, वृद्धि कर रहा है घटा रहा है, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े? देखिए कोई दुकानदार है, कोई बात नहीं, एक दुकानदार है दोस्तों और वो चीनी के अपने जो चीनी की जो बेचता है उसमें 20% की वृद्धि कर देता है, तो वृद्धि कर देता है, तो यार हम अपने जो खपत कर रहे हैं उसमें कितने की अगर हम कमी करें दोस्तों ताकि हमारा खर्च ना बढ़े। हम एक अगर बात करें 100 रुपये में अगर आधा किलो चीनी लाते हैं, अगर 100 रुपये में 1 किलो चीनी लाते हैं, तो हमको ऐसा कन्वेस करना है दोस्तों कि ताकि 100 रुपये में हमारा पूरा खर्च निकल जाए। बात को समझिएगा, तो कह रहे कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, 20% के कह रहे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा समझ में आ जाएगा, 20% की वृद्धि हुई खपत में यानी कि खाने में दोस्तों कितना प्रतिशत की कमी की जाए ताकि हमारा जो खर्च है दोस्तों वो न बढ़ पाए, उतना ही कि उतना रह जाए। तो कह रहा है दोस्तों 20% में, देखिए इसको भी दो मेथड से दोस्तों मैं समझाऊंगा, दोनों मेथड आप सबको अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है।
कह रहे कि 20% की वृद्धि हो रही है, कोई बात नहीं। 20 को कितना लिखा जाता है दोस्तों, 1/5 लिखा जाता है। दोस्तों मैंने आपसे को पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी शुरू शुरू वीडियो में बताया दोस्तों कि 20% को कितना लिखा जाएगा और कैसे इसको लिखा जाता है, सारी बात को समझा दिया। ओके तो इसको इतना लिखा जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन दोस्तों हम बात करें प्राइज की और बात करते हैं दोस्तों क्वांटिटी की, मात्रा की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। प्राइस की बात करते हैं दोस्तों और क्वांटिटी की बात करते हैं। तो जब प्राइस है दोस्तों 5 से बढ़कर 6 हो रहा जा रहा है, जो दुकानदार है वो अपना अपना मान अपना क्या है दोस्तों, वो तो अपना बढ़ा रहा है, वो तो घटा तो नहीं ले रहा है, 20% वो बढ़ा दिया। तो प्राइस है दोस्तों वो 5 से बढ़कर 6 हो जा रहा है और क्वांटिटी दो है जो दोस्तों वो 6 से 5 हो जा रहा है, क्योंकि जो मात्रा, देखिए 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 ध्यान दीजिएगा बात को इधर। अगर हम दोस्तों 100 रुपये में 1 किलो चीनी ला रहे हैं और वो जो दुकानदार है आज से वो क्या किया ना कि 20% बढ़ा दिया, वृद्धि कर दिया अपने सामान बेचने में, तो 100 रुपये में क्या हमको 1 किलो चीनी मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वांटिटी यानी कि मात्रा में दोस्तों कमी हो जाएगा, हमको उससे कम चीनी देगा, ठीक है। तो वही बात है दोस्तों, यहाँ पर मात्रा लिख देते, अगर इंग्लिश में ना आए तो दोस्तों यहाँ पर लिख देते मात्रा, यार मात्रा यार वही मतलब कि झोला में अगर 1 किलो चीनी इतना दे रहा तो उतना देगा, अब ओबीसी बात है, ठीक है। तो प्राइस इसका तो बढ़ रहा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन मात्रा में दोस्तों कमी हो रहा है। कितना कमी हो रहा है यार, ये बात को देखिए, कितना में कमी हो रहा है? तो कमी हो रहा है दोस्तों 1 का कमी हो रहा है। 1 का कमी कितने में हो रहा है? तो 1 का कमी दोस्तों 6 में हो रहा है, गुणे कर देंगे 100, कितना आ जाएगा ये दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 16/2/3% आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों 3 × 6 = 50 दोस्तों 50/3 को दोस्तों 16/2/3% लिखा जाता है। मैंने आपसे को पहले भी वीडियो में बता चुका, अभी अभी पहले ये नहीं कि 2-3 साल पहले, नहीं अभी 5-6 मिनट पहले चले जाओ, फ्लैशबैक में जाकर के देख लो, ठीक है। तो इसको कटाएंगे दोस्तों तो 50/3 आएगा और 50/3 को दोस्तों फ्रैक्स इसको 16/2/3% लिखा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस बात को गौर कीजिएगा, जिस बात के आप सभी को इंतजार था, ठीक है। हाँ, इसको बनाने का एक और मेथड है दोस्तों, जैसे कि मैं बात करूँ 20 120 0 0 1/6, ठीक है। इस बात को पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आगे इसको कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे मैंने वैसे आप सभी इसको अपने बाहों में ले सकते हैं, सॉरी मतलब अपनी किताबों में ले सकते। तुझे देखा तो ये जान, सॉरी दोस्तों, कह रहा है कि चीनी की नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, चीनी की कीमत में 16/2/3% की वृद्धि होने के कारण, यार जब दुकानदार अपना वृद्धि बढ़ा देता है ना तो किसी परिवार की खपत जो है 20% घट जाती है यार, वो 20% किसी चीज़ को कम खाने लगता है यार, देखिए कितना क्या हो रहा है। तो किसी परिवार में 20% घट जाती है, खर्च में कितना प्रतिशत बदलाव होगा, देखिए क्वेश्चन को समझिए आराम से इत्मीनान से दोस्तों बढ़िया से। चीनी की कीमत में 16/2/3% की वृद्धि होने के कारण किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, खर्च में कितने प्रतिशत बदलाव होगा, तो बदलाव पूछ रहा है दोस्तों। तो पहले हम बात करेंगे कि 16/2/3% को कितना लिखा जाएगा, तो इसको दोस्तों 1/6 लिखा जाएगा। 20% घट रहा है दोस्तों तो 20% को लिख लेते हैं, इसको 1/5 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्राइस है जो वो कितना है, यानी कि ये है दोस्तों प्राइस, ये प्राइस 6 से 7 हो जा रहा है, प्राइस तो बढ़ रहा है ना, प्राइस बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, वृद्धि हो रहा है आप सभी का, प्राइस क्या रहा है, बढ़ रहा है। तो प्राइस जो है दोस्तों 6 से 7 हो गया, लेकिन दोस्तों लेकिन जो सेल की बात करें दोस्तों, जो खपत होता है वो कितना होता है दोस्तों, खपत तो हमारा 5 से 4 हो जाता है, खपत दोस्तों हमारा 5 से 4 हो जाता है, यानी कि 1 घट जाता है खपत, खपत हमारा दोस्तों 1 घट जाता है। तो इसको कह रहा है दोस्तों अब निकालना है क्या, खर्च निकालना है दोस्तों, यहाँ पर निकालना है खर्च, खर्च निकालने के लिए 6×6=28 कर देंगे दोस्तों, कितना में कितना की वृद्धि हो रहा है दोस्तों, 2 का वृद्धि हो रहा है कितना में, तो 2 का वृद्धि हो रहा है दोस्तों 30 में, और गुणे कर देंगे दोस्तों 100। तो इसको जब कटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, इसको जब कटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6/2/3% आ जाएगा। इसको कटाएंगे 0 से 0
इसके 5 5 15 यानी कि दोस्तों 6 सही 6 सही 2/3% ये दोस्तों आ जाएगा हमारा सही आंसर हो जाए। इसको जब कटाएगा अच्छे तरीके से तो 6 सही 2/3% इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 36 18 18 18 18 20 बटा में 3 आएगा, 20/3 को इतना लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन अभी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मजा आएगा, बने रहेगा वीडियो के एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आशवी की स्क्रीन पर दोस्तों नीचे क्वेश्चन लगाया गया होगा दोस्तों, वहां से आप सभी क्वेश्चन को पढ़ करके कॉपी में पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन दोस्तों मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं। देखिए एक क्या है दोस्तों, एक कक्षा है, एक स्कूल है दोस्तों, जिसमें 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं तथा 45% छात्र संस्कृत में सफलता प्राप्त करते हैं दोस्तों। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कह रहे कि एक विद्यालय है दोस्तों, जहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा है दोस्तों, ये हो गया और ये हो गया। एक कक्षा में दोस्तों ये पूरा तो कक्षा हो गया, लेकिन कह रहा दोस्तों कि लिखा रहा कि 60% छात्र हिंदी में और 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं, उनमें से 25% दोनों में होते हैं दोस्तों, जो कॉमन होता है दोस्तों 25%, इसको यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 25%। अब कह रहा है दोस्तों कि हिंदी वाला दोस्तों यहाँ पर, और ये दोस्तों हो गया संस्कृत वाला, तो हिंदी वाला में कितना दोस्तों 60 है, तो 60 में 25 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारा, आएगा दोस्तों 35%। और 45% छात्र है किस में, संस्कृत में, 45% छात्र है ना जी संस्कृत में, तो 25 में जब 45 घटाएंगे दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा 20% आएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया दोस्तों हमारा बोथ वाला, क्या गया दोस्तों बोथ वाला हो गया। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि पहले इसमें जो फर्स्ट आया है वो कितना आया है, तो फिर हमारे आराम से निकल जाएगा। टोटल पास के निकालते हैं पहले, टोटल पास की बात करते हैं दोस्तों, टोटल पास कितना आया हमारे पास, ये हो गया दोस्तों 35, कितना है दोस्तों 35, ये हो गया हमारा 20, और ये हो गया दोस्तों 25, और है नहीं ना, ये हो गया दोस्तों कितना, ये हो गया 8 8 5 10 के 0 हाथ में 6 6 4 4 4 3 7 7 1 8 यानी कि 80% दोस्तों जो लड़का है वो फर्स्ट आ रहे हैं, कि आ रहे हैं दोस्तों यानी कि सफलता प्राप्त करते हैं, 80% छात्र सफलता प्राप्त करते हैं। तो असफल छात्र अब निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, फेल निकालने के लिए दोस्तों इसको करेंगे कि 100 - 80 यानी कि आ जाए दोस्तों 20% इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉपी में, दिमाग में, दिल में, गुद्दे फेफड़े में दोस्तों इसको सेव कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए कह रहा है दोस्तों किसी कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल आते हैं, 45% छात्र संस्कृत में सफल आते हैं, 25% दोनों में आते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि दोनों में कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं, कितना फेल होता है, जो कितना फेल होते हैं। तो कह रहे हैं दोस्तों 35% हो गया हिंदी में, 20% हो गया संस्कृत में, क्योंकि दोस्तों दोनों के ये जो दिया रहता है बीच वाला वैल्यू ना, बोथ वाला वैल्यू, उसमें से दोनों को घटाना होता है। तो टोटल पास निकाल दिए दोस्तों 80%, तो फेल निकालने के लिए 100 - 80 कर देंगे तो 20% हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि आप सभी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाया गया, वहां से आप सभी क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। मोहन की आय सोहन की आय से 20% कम है, तो सोहन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। कह रहे कि मोहन की जो आय है दोस्तों वो सोहन की आय से 20% कम है, मोहन की आय सोहन की आय से 20% कम है, तो सोहन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा दोस्तों, इस बात को आप सभी को निकालना है। ऐसा भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलता है। इसको दोस्तों दो मेथड से मैं बताऊंगा, दोनों मेथड से दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पर आएगा दोस्तों मेथड नंबर 1 और यहाँ पर आएगा दोस्तों मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 से बात करते हैं दोस्तों, पहले क्वेश्चन कह रहे हैं कि दोस्तों मोहन की आय
सोहन से, मोहन जो है ना वो सोहन से क्या है दोस्तों 20% कम आय का है, 20% कम आय का है। तो सोहन की आय मोहन की आय का, देखिए कह रहा है कि बहुत मोहन की आय सोहन की आय से, ये देखिए यहाँ पर हो गया दोस्तों मोहन। पहले तो लॉन्ग विधि देख लेते जो कि दिया रहता है, देखिए लॉन्ग नहीं ये भी शॉर्ट है यार, दोनों शॉर्ट ही है। नोट, मोहन की आय सोहन की आय से एम परसेंट कम है, यानी कि इसको दोस्तों ऐसे बना जाता है एम बटा में 100 माइनस एम, तो यहाँ गुणे 100। तो इसको आप सभी कैसे सोल्व कर पाएंगे, इसको करेंगे दोस्तों, इसको करेंगे 20 हो गया उसका आय, और कह रहा है कि 100 माइनस कर कितना करेंगे, करेंगे दोस्तों कितना 20 करेंगे तो आ जाएगा पूरा पूरा 80, और गुणे कर देंगे दोस्तों 100, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 25%। ये जो है दोस्तों एम परसेंट जो है दोस्तों ऊपर वाला जो एम परसेंट है उसका कम वाला आयु है नीचे वाला, ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझ में आ जाएगा आप सभी को आसानी तरीके से, समझिए बात को। यहाँ पर कह रहा है कि जो मोहन की आय है ना वो सोहन की आय की, जो मोहन की आय है सोहन की आय से 20% कम है, तो सोहन की आय अगर 100 होगा तभी तो इसका 20% कम होगा, यानी कि 80 होगा। बात को समझिएगा, कह रहा है कि अगर सोहन की आय 100 है तो 20 करेंगे तो 80 इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80 इसका आ जाएगा। तो जब 80 आएगा दोस्तों इसका, तो कितने से बढ़ रहा है दोस्तों, तो बढ़ रहा है ये 20 से बढ़ रहा है, तो 20 से बढ़ रहा है दोस्तों, तो 20 से कितने में बढ़ रहा है, 20 से बढ़ रहा है दोस्तों 80 में, और गुणे कर देंगे 100, ये भी निकल कर आ जाएगा दोस्तों 25% निकल करके आ जाएगा। क्या बात दोस्तों, आप सभी को मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 दोस्तों क्या समझ में आ गया कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। कराए देखिए, मोहन की आय सोहन की आय से 20% कम है, तो 20% कम होने का मतलब दोस्तों कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो ये जब 100% हो गया तो 20% कम है यानी कि 80 हो गया। 80 कितने में कम हो रहा है दोस्तों, 80 से 100 में कितना का डिफरेंस है 20 का, अगर 20 दोस्तों कम है कितने में, 80 में, गुणे कर देंगे 100 दोस्तों 25% निकल करके आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे इसको कर दीजिए ऐसे वगैरह से 0 0, और यहाँ से कर देंगे दोस्तों यहाँ 4 आ जाएगा 25 24 यानी कि निकल जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कटा दीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।